नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MR एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे SSC स्टेनोग्राफर वैकेंसी 2024 के बारे में। इस वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। काफ़ी अभ्यर्थी भी इसके तैयारी में लग चुके होंगे जो पहले से स्टेनोग्राफर हैं। जिन अभ्यर्थियों को पता नहीं है कि SSC स्टेनोग्राफर वैकेंसी क्या होती है, तो मैं उनको बता दूं, SSC हर साल स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकालती है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों पर आपको ये वैकेंसी हर साल देखने को मिलेगी। काफ़ी अच्छी वैकेंसी रहती है। जो आपकी पोस्ट है वो आपको इसमें बहुत अच्छी देखने को मिलती है। सेंट्रल लेवल के डिपार्टमेंट में आपको निजी सहायक बनने का एक सुनहरा मौका इसमें मिलता है। स्टेनोग्राफर वैकेंसी एक अलग वैकेंसी होती है। इसके अंदर आपको स्टेनो का स्किल टेस्ट देना पड़ता है। कुछ अभ्यर्थी इसके बारे में नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता दूं कि ये स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल दो प्रकार से ये वैकेंसी निकलती है। राजस्थान के अंदर भी RSMSS भी स्टेनोग्राफर वैकेंसी आती है और सेंट्रल के अंदर SSC स्टेनोग्राफर वैकेंसी आती है। तो SSC की अगर बात करें तो इसमें जो सैलरी है वो भी आपकी ज़्यादा रहती है और डिपार्टमेंट भी आपको इसमें अच्छे देखने को मिलते हैं और ये वैकेंसी आपको हर साल देखने को मिलेगी SSC की तरफ से। तो अब हम इसके फॉर्म की बात करें और इसकी जो एग्ज़ाम है वो कब होगा इसकी बात करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं कि जो इसके फॉर्म है वो आपको जुलाई 2024 में देखने को मिलने वाले हैं। इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। नई जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है और आपका जो एग्ज़ाम है रिटर्न का एग्ज़ाम, इसमें आपको नवंबर 2024 में देखने को मिलेगा। SSC की तरफ से कैलेंडर जारी कर दिया गया है और उसमें जो फॉर्म की तिथि है वो भी बताई गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें किस प्रकार से सिलेक्शन होता है, तो मैं आपको पूरी तरीके से इसमें समझाता हूँ कि जो सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या रहता है। सबसे पहले आपका इसके अंदर रिटर्न लिया जाता है। रिटर्न के अंदर आपके तीन सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। तो मैथ इसके अंदर नहीं आती है। काफ़ी अभ्यर्थी होते हैं जिनको मैथ से भी डर लगता है कि जो वैकेंसी हो जिसके अंदर जो मैथ नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो उन अभ्यर्थियों के लिए भी यह वैकेंसी काफ़ी अच्छी साबित होती है। और जो कम उम्र में अच्छी पोस्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए ये वैकेंसी बहुत अच्छी है। सेंट्रल में आपको काफ़ी अच्छे डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गए, एक्साइज डिपार्टमेंट हो गए, तो बहुत अच्छे डिपार्टमेंट आपको इसमें देखने को मिलते हैं। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर इसमें बात करें हम, तो 12th लेवल के बाद आप इस वैकेंसी को, अगर आपका 12वीं का रिज़ल्ट आ चुका है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने सिलेक्शन प्रोसेस पे। तो सबसे पहले आपका टीयर फर्स्ट यानी रिटर्न एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद इसमें स्किल टेस्ट होता है, और स्किल टेस्ट के अंदर आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होता है, और उसके बाद आपका जो फाइनल रिज़ल्ट आता है, फिर इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर आपको इसमें जॉइनिंग मिलती है। तो SSC स्टेनोग्राफर का इस प्रकार का सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। लगभग 4 से 5 स्टेप इसमें आपको देखने को मिलते हैं। अगली हम बात करें स्किल टेस्ट इसमें किस प्रकार से होता है, उससे पहले मैंने आपको बता दिया टीयर फर्स्ट में रिटर्न एग्ज़ाम होगा जिसमें 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो आप इन सब की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। चैनल पर भी आपको स्टेनो में ऋषि प्रणाली के माध्यम से जो क्लासें आपको मिलने वाली है। स्किल टेस्ट होता है उसमें क्या होता है, आपको एक डिक्टेशन दी जाती है 10 मिनट की। 10 मिनट के डिक्टेशन में आपको उसको इंग्लिश या फिर हिंदी, जो भी आपने फॉर्म भरते समय चूज किया होता है, उसमें आपको ट्रांसक्रिप्ट करके उसको टाइप करना होता है। तो इसको स्टेनो स्किल टेस्ट बोलते हैं। तो आसान भाषा में मैंने आपको समझा दी कि ये स्टेनो स्किल टेस्ट किस प्रकार से होता है। स्टेनो एक कोडिंग लैंग्वेज होती है जिसको आपको सीखना पड़ता है, और इसमें जो इसका स्किल टेस्ट है वो आपको रिटर्न के बाद आपको आपका जो स्किल टेस्ट की परीक्षा होती है उसमें आपको टाइपिंग और स्टेनो दोनों करनी होती है। अब हम बात करते हैं कि जो ये स्टेनोग्राफी टेस्ट है वो किस प्रकार से होता है, और जो राजस्थान के अंदर वैकेंसी निकलती है उससे SSC स्टेनोग्राफर की वैकेंसी किस प्रकार अलग है, और इसमें आपके जो सिलेक्शन के चांस है वो अदर वैकेंसी से भी
काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर दो प्रकार से वैकेंसी निकलती है, एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और डी। यानी एक वैकेंसी निकलती है जिसमें ग्रुप डी की पोस्ट होती है और एक वैकेंसी निकलती है जिसमें सी की पोस्ट होती है। तो अब आते हैं हम हमारी जो पोस्ट होती है इसके अंदर ग्रुप सी और ग्रुप डी की। तो ग्रुप डी की हम बात करें तो इसके अंदर स्पीड होती है 80 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड मांगी जाती है। सी के अंदर आपकी जो स्पीड है वो 100 वर्ड पर मिनट मांगी जाती है। तो आपको स्पीड के लिए मैं बता दूं कि आपको जो स्टेनो में एक स्पीड होती है कि आपकी 80 की स्पीड होती है, 100 की स्पीड होती है, 120 की स्पीड होती है। स्टेनो लिखने की स्पीड की इसमें बात की जा रही है। जो नए अभ्यर्थी हैं उनको नहीं पता हो तो मैंने आपको बताया कि जो 80 की स्पीड है और 100 की स्पीड इसमें मांगी जाती है। तो आपकी जो ग्रुप डी के अंदर है उसमें सलेक्शन होने के काफ़ी अच्छे चांस है, क्योंकि इसके अंदर 80 WPM यानी 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी जाती है। वो काफ़ी आसानी से की जा सकती है। अच्छी मेहनत अगर इसके अंदर कोई करे तो उसका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो सकता है एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर। तो 2024 के अंदर काफ़ी अच्छा चांस आपके सामने आने वाला है। अब हम बात करते हैं, अगर आप ग्रुप सी और ग्रुप डी के दोनों के लिए अप्लाई करते हैं, यानी आपको फॉर्म भरते समय ये इसमें चूज़ करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप सी और डी दोनों का स्टेनो स्किल टेस्ट देना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म भरते समय इसकी जो जानकारी है वो उसमें देनी होगी। तो आप दोनों के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, यानी आपके पास दो चांस होंगे स्टेनो स्किल टेस्ट देने के लिए। उसमें अगर आप सी अच्छी मेहनत करते हैं तो आप ग्रुप सी के अंदर, आपका जो ग्रेड सी के अंदर है वो आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। अब हम बात करें जो ग्रुप डी की, तो इसके अंदर जो इंग्लिश वाले उनको स्टेनो के जो ट्रांसक्रिप्शन यानी ट्रांसलेट करने के लिए 50 मिनट का समय मिलता है, और हिंदी वालों के लिए आपको जो 65 मिनट का इसमें समय मिलता है। ग्रेड सी की हम बात करें तो आपको ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो समय मिलता है इंग्लिश वालों को 40 मिनट का मिलता है और हिंदी वालों को 55 मिनट का मिलता है। तो इस प्रकार से आपको ग्रेड सी और ग्रेड डी की जो इसमें पोस्ट है वो आपको देखने को मिलती है। और सेंट्रल की वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी सैलरी इसमें 50,000 से 60,000 की सैलरी आपको इसमें जो देखने को मिलेगी। और 12वीं के बाद यानी कि 12th पास ये वैकेंसी रखी गई है, और 12th बाद आप सीधे ही इतनी बड़ी पोस्ट और इतनी अच्छी सैलरी पे आप इस वैकेंसी के अंदर अगर मेहनत करते हैं तो इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। स्टेनो एक काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है, इसको लैंग्वेज बोलते हैं, आप एक अलग लैंग्वेज इसमें सीखते हैं। स्टेनो कोडिंग लैंग्वेज होती है, लगभग इसमें 4 से 6 महीने का आपको समय लगता है स्टेनो सीखने के लिए। फ़िलहाल अगर हम बात करें तो हमारे पास 2024 में एक अच्छा मौका है कि जो एसएससी स्टेनोग्राफर की न्यू वैकेंसी 2024 के अंदर, इसके फॉर्म जुलाई में शुरू होने वाले हैं। अगर आप अभी से अपनी रणनीति बनाते हैं तो आप 2024 के एंड तक एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, अच्छी पोस्ट और अच्छी सैलरी के साथ, वो भी 12th पास। यानी अगर आप इसके तैयारी करने में इंटरेस्टेड है, आप चाहते हैं कि जो 2024 के आखिर तक मेरे पास एक अच्छी सरकारी नौकरी हो, तो आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। केवल 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जनरल अवेयरनेस और जो इंग्लिश है और इसके अंदर जो रीजनिंग। तो ये जो आपका इसमें डिटेल सिलेबस है वो भी मैं आपको बता दूं इसका सिलेबस क्या रहता है। तो ये कुछ पॉइंट इसके अंदर हैं जो आपको सिलेबस इसमें आपको देखने को मिलेगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जनरल अवेयरनेस के अंदर कुछ टॉपिक है आपको, और जो ये इंग्लिश है वो इसके अंदर देखने को मिलेगी, यानी कि 3 सब्जेक्ट आपको इसमें तैयार करने हैं। ऐसी बात नहीं है कि स्टेनोग्राफी सीख ली तो हमारे पास आगे कोई ऑप्शन नहीं रहते हैं। स्टेनो की जो वैकेंसी है वो DSSP डिपार्टमेंट में भी निकलती है, SI स्टेनो की वैकेंसी में भी निकलती है, CRPF की वैकेंसी भी निकलती है, यानी आपके पास आगे और भी चांस रहते हैं। लेकिन जो SSC स्टेनोग्राफर की, जो अगर आप इसमें अच्छी मेहनत करते हैं तो आपका सिलेक्शन इसी में ही 100% बिल्कुल आपका इसके अंदर सिलेक्शन, अगर कोई अच्छी प्रकार से मेहनत करता है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका जो सिलेक्शन इसमें हो जाएगा।
और अब अभी अभी जनवरी 2024 की शुरुआत हुई है, तो आपके सामने एक अच्छा टारगेट है कि एक अच्छी पोस्ट की वैकेंसी आने वाली है। एग्ज़ाम का कैलेंडर भी जारी हो चुका है, तो बस अब आपको तैयारी करनी है। इसमें तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़िए, और इसके तैयारी, रिटर्न की तैयारी और स्टेनो स्किल टेस्ट की तैयारी, दोनों की तैयारी MR एजुकेशन के माध्यम से आपको करवाई जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से SSC स्टेनोग्राफर वैकेंसी को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर थी। अगर इस वैकेंसी से संबंधित आपको कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, स्टेनो से कोई भी कन्फ्यूजन है, तो जो वीडियो है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई है, जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।